लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही सोशल मीडिया पर बदतमीजी का दौर भी बढ़ता जा रहा है। इटावा के युवक ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेता वरुण गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और गालियों की भरमार कर दी। संभल के भाजपा नेता ने एतराज किया तो उन्हें भी धमकी दे डाली। भाजपा नेता कमल शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ललित नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। कमल जी, एक मामला है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को फेसबुक पर अपशब्द कहे हैं किसी ने, आपने मुकदमा लिखवाया, क्या है पूरा प्रकरण, कहां का आदमी है? जी, दिनांक 8 मई को मैं अपना फेसबुक अकाउंट चला रहा था, तभी वहां पे वाल पे मैंने एक व्यक्ति की आईडी देखी, इटावा से था, नितेश कुमार नाम से, ललित कुमार नाम से। तो उसकी आईडी पे मैंने देखा कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के विरुद्ध बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रखी थी, और उसमें मैंने नीचे कमेंट्स भी देखे, बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट्स थे। तभी मैंने जब उसके प्रोफाइल को चेक किया तो उसमें उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला। मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया और उससे कहा, मैंने कहा भाई आप ठीक है, विचारधारा की जो है आप किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट आप मत करिए। तो इस पर उसने और मुझको धमकी देते हुए कि मेरे ऊपर तमाम केस ऐसे हो रखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोले तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो उसके पश्चात मैंने जो है थाने में लिखित में तहरीर देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया। तो इसी संदर्भ में मेरी तरफ से कल FIR लिख दी गई है।